2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की जमीन पर सियासत का नया संदेश पढ़ रहे हैं। मुफ्त घरेलू बिजली का नारा गढ़ रहे हैं। आप बताओ, बिजली का बिल माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हमारे देश की सरकारें जब अमीर लोग कर्जा लेते हैं तो उनका कर्जा माफ करने के लिए डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। हम तो कहते हैं कि जिस दिन सरकार बनेगी परमानेंट घरेलू बिजली का बिल माफ किया जाएगा, ये काम करूंगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच सुभाषपा में बगावत के बाद अब ओम प्रकाश राजभर पार्टी को मजबूत करने के लिए आधी आबादी को साधने निकले हैं। इसके लिए सुभाषपा अलग अलग मंडलों में महिला हक अधिकार सम्मेलन आयोजित कर रही, जिसके मंच से ओम प्रकाश राजभर शराबबंदी के मुद्दे पर आधी आबादी को सुभाषपा के पक्ष गोलबंद करने में जुटे हैं। दावा है कि जल्द ही शराबबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। तैयारी हुई तो शराब बंद कराने के लिए अपन राशन अपन पानी ले ले के चली पैदल। सही सही हम भाव हमले करेंगे चला वाला हम केवल जब सरकार के कैसे ना बनिए। सही रही कि नहीं सही रही? महिला अधिकारों के साथ ओम प्रकाश राजभर के सुर निकाय चुनाव में पिछड़ा आरक्षण को लेकर भी मुखर है। बस्ती में महिला हक अधिकार सम्मेलन के मंच से ओबीसी आरक्षण के आश्रय ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। कहा कि सरकार पहले भी ओबीसी आयोग का गठन कर सकती थी, सर्वे करा सकती थी। 68,000 शिक्षक भर्ती प्रोफेसर के नियुक्ति का मामला हो, चाहे निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला हो, इस मामले पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने सर्वे करते पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं किया। आखिर में गई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा, जाओ पिछड़े समाज के आरक्षण की व्यवस्था करके 3 महीने के अंदर तुम चुनाव कर। दरअसल समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद सुभाषपा अब तक किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला नहीं कर पाई। ऐसे में राजभर की कोशिश जमीन पर पार्टी की ताकत को बढ़ाने की है। सूबे के बड़े राजनीतिक दलों को ये दिखाने की है कि पूर्वांचल के सियासत में उसकी भूमिका कितनी अहम है।